हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। तो आज अपन बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो मात्र 1000 रुपये लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हो और महीने के 1,00,000 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, सॉरी, 5,000 रुपये लगाकर महीने के 1,00,000 रुपये आप कमा सकते हो। और ये बिजनेस में खाली एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर आपके इनकम ही इनकम है। एक बार पैसा लगा दो, फिर आपके पास पैसा ही पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई जिंदगी में क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होगी। पता है आपको, तीन चीजें अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी है लाइफ में, सबकी लाइफ में। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक तो भाई खाना, दूसरा पीना, एक ऑक्सीजन और दूसरा खाना और तीसरा भाई मोबाइल। ठीक है, एक बार आप खाना भूल जाओगे, लेकिन मोबाइल को आप कहीं नहीं भूल सकते। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आपको बाथरूम के अंदर भी ले जाने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, मोबाइल के बिना आप शादी में नहीं जाओगे, मोबाइल के बिना आप कॉलेज नहीं जाओगे, मोबाइल के बिना स्कूल नहीं जाओगे, मोबाइल के बिना आप बीवी के साथ में पर्सनल बात नहीं करोगे, मोबाइल के बिना आप बीवी के साथ संबंध भी नहीं बनाओगे। मोबाइल एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गया है कि मतलब कोई अगर ऑक्सीजन के बाद में दूसरी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो भाई मोबाइल ही है, क्योंकि मोबाइल से अपन इतने कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, आपको मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी सबके मैं बात कर रहा हूँ कि मोबाइल ऐसा, मैंने रिसर्च किया है एक बार गूगल पे करके कि हर आदमी 45 मिनट में एक बार मोबाइल ज़रूर चेक करता है। कितना, हर आदमी 45 मिनट में एक बार मोबाइल चेक जरूर करता है। देख लो अभी मोबाइल के अपन कितने आदि हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि भाई खाना खाते खाते भी मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल आगे मोबाइल में कुछ भी चालू कर देंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर मोबाइल देखेंगे। बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो गाड़ी चला रहे हैं लेकिन एक बार मोबाइल एक साथ में मोबाइल में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखो लेट बाथरूम में जा रहे हैं लेकिन मोबाइल को साथ में लेके जा रहे हैं। और कुछ लोगों के तो भाई मोबाइल से ही उनके इनकम है, मोबाइल ही उनके, मोबाइल से ही पैसा कमाते हैं, मोबाइल से ही पैसा उड़ाते हैं, मोबाइल ही उनकी जिंदगी है भाई लोगों के। और मोबाइल सुविधा भी है और मोबाइल आपकी असुविधा भी है। मोबाइल का उपयोग करो जितना तक अच्छा है, और दुरुपयोग भी होता है। ठीक है, उपयोग करो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और दुरुपयोग करो तो आपके लिए शरीर के बहुत खतरनाक चीज़ है। ये मोबाइल एक आइटम बॉम्ब जैसा है। ठीक है, अगर आप दुरुपयोग कर दिया और फट गया तो आपको साथ में ले डूबेगा, और आप उपयोग करते हो, अच्छा उपयोग करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ बन गया। और मोबाइल की अपन मार्केटिंग में बात करें ना, मोबाइल का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, आपको अभी बहुत सारे ऐसे लड़के भी आजकल आपको देखते होंगे, ऐसे बंदे भी आप देखते होते, ऐसी लड़कियाँ भी देखती होगी जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के लिए महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं, 2-2, 2.5-3 लाख रुपये के मोबाइल लेते हैं, जो कि एप्पल कंपनी के आते हैं, वो इतने महंगे मोबाइल खर्च लेते हैं बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे उनकी कैमरा अच्छा आता है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी आती है और एक ब्रांड है वो, इसकी वजह से। तो भाई मोबाइल की डिमांड पहले से ही है, जब से मोबाइल ये एंड्रॉयड बना है तब से लोगों को मोबाइल की लत लग गई है। ठीक है, कैसे, वो एक पहले पता है आपको एक नशे की लगती थी, वैसे ही अभी इसकी लत लग गई है अपनी, इसकी मोबाइल की लत लग गई है आपको। ठीक है, तो क्यों ना अपन मोबाइल का बिजनेस ही करें। रात दुगनी चांद चौगनी करें अपन ऐसा करें, मोबाइल के बिजनेस ही कर डाले तो भाई भीड़ पड़ेगी अपनी दुकान पर। तो ठीक है, तो ये सब चीज को मैंने एक साइड में रख दो और पहले आपकी मैं पर्सनल लाइफ की बात करता हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बात में। अगर ये बात मैं आपको इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहाँ क्या कहना चाहता हूँ। ये आपकी पहली चीज़ आपकी पर्सनल बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल तो मैं बाद में भी करूँगा, प्रोफेशनल तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा ही, लेकिन पर्सनल बात करनी आपकी बहुत ज़रूरी है मेरे को। तो आप क्या कर रहे हो आजकल भाई, नौकरी कर रहे हो, बॉस के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, किसी दुकान पे नौकरी कर रहे हो, मॉल में नौकरी कर रहे हो, ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, तो भाई सबसे गुलामी करना और नौकरी करना एक समान है। ठीक है, गुलामी में आपको सैलरी नहीं देते थे और नौकरी में आपको सैलरी देते हैं भाई। अगर आप किसी के सेठ के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, किसी की दुकान या मॉल में काम कर रहे हो, अगर उस दिन आप बिक्री नहीं हुई तो आपको शाम को गालियाँ सुननी पड़ सकती है।
ठीक है। अगर आप किसी बैंक में नौकरी कर रहे हो, किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो अगर आपको टारगेट देते हैं, वो अगर टारगेट नहीं पूरा होगा तो शाम को आपको गालियां सुननी तय है। तो आप नौकरी कर रहे हो या गालियां सुनने के लिए वहां पर रहे हो, मतलब तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी में है ना भाई, है ना, नौकरी का क्या है कि पता है फिक्स सैलरी रहेगी आपकी। पहले मैं नौकरी का आपको नुकसान ही दिखा देता हूँ, फायदे बाद में दिखाऊंगा। बिजनेस के फायदे आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले नौकरी के आपको नुकसान देख लो। पहली चीज तो आप आजाद नहीं है। नौकरी एक गुलामी चीज होती है, नौकरी एक पिंजरा है, उसमें आपको फिट रहना पड़ेगा, उसमें अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप आजाद नहीं हो। दूसरी चीज आप छुट्टी नहीं रख सकते अपनी मन मर्जी से। तीसरी चीज है, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। वहां पे जो हिसाब चल रहा है उनके हिसाब से आप जींस नहीं पहन सकते, आप फैशन नहीं कर सकते, आप बड़े बड़े जींस बड़े बाल नहीं रख सकते, आप बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकते, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत बन के नहीं जा सकते, आप बहुत ज्यादा सिंपल नहीं बन सकते। जैसा बॉस बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, गुलामी हुई ना, है ना। तो आपकी आपकी मर्जी है तब बॉस आपको नहीं छोड़ा। आप बॉस की जब मर्जी होगी तब आपको जॉब से आपको छुट्टी देगा। अगर 6 बजे की नौकरी का आपका टाइम पूरा हो रहा है लेकिन 6:30 बजे 7 बजे तो भी बॉस की मर्जी है, भाई आधा घंटा रुकना है तो रुकना है। आपकी ताकत नहीं है आप ऐसा बोल के चले जाओगे मेरे को जल्दी आज मेरे अपने टाइम से टाइम नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बॉस बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। इतने सारे नुकसान है, ठीक है। अगर आप किसी मॉल में किसी या किसी की दुकानों पे ऐसे नौकरी है तो पता है धंधा नहीं होता है तो सेठ का दिमाग गर्म होता है, वो सेठ आपको भी नहीं बात के गले सुना देता है और आपकी सुनने भी मजबूरी, ऐसा नहीं करो, आपकी सुनना भी मजबूरी रहती है, नहीं करोगे नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है। तो भाई मेरे को एक आप समझो, आप मुझे ये सब ये एक चीज समझाओ, अगर ये सब चीज को देखते हुए आपके सपने पूरे होंगे, आपको लगता है कि 10,000, 15,000 या 20,000 या 25,000 या 30,000 सैलरी में आपके सपने पूरे होंगे, बॉस की गालिया को खा के सपने पूरे होंगे या किसी सेठ की गालिया खा के बॉस ने सपने पूरे करोगे? आपको लगता है कि सपने पूरे होंगे आपको इस तरह से? नहीं होंगे। आपको लगता है कि आप 15,000 की सैलरी में फोर व्हीलर ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, कसम से कह रहा हूँ नहीं ले पाओगे। ये बात आपको किसी कागज पे लिखनी है तो लिख के ले लो कि आप है ना भाई, जब तक नौकरी करोगे आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपके सपने भी सपने रोज मरेंगे, रोज जिंदा होंगे रोज मरेंगे। सपने कभी पूरे नहीं होते नौकरी में करने वालों के, सपने सपने रह जाओगे, बाद में पछताओगे। यार एक वीडियो में देखा था, माफिया भाई फैशन ब्लॉगर वाला का वीडियो देखा था, अगर उस दिन मैंने उस वीडियो को अमल कर देता या जिंदगी में अपना लेता तो आज मैं कुछ और, ठीक है। ये मेरे वीडियो भी आज 10 साल बाद में भी आप देख सकोगे, मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, 10 साल बाद में भी देख सकते हो, आज भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जितनी जल्दी है उतनी नौकरी छोड़ दो। और नौकरी किसको छोड़नी है, जिसकी 10,000 सैलरी, 15,000 सैलरी, 20,000 सैलरी, 25,000, 30,000 की सैलरी है ना, उन सबको नौकरी छोड़ देनी भाई। अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। ये आज आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन 10 साल बाद में आपके पास में अल्टो कार होगी और आपके दोस्त के जो बिजनेस वाला दोस्त है उसके पास भाई फॉर्चुनर होगी, तब पछतावा होगा आपके। आपके पास 3 लाख की अल्टो कार हो, उसकी 50 लाख की फॉर्चुनर होगी, तब आपको पछतावा होगा। उसके पास में बंगला होगा, आपके पास में मकान होगा, उसके पास में सारी सुख सुविधा होगी, आपके पास में सहमति होगी। लेकिन आप है ना भाई, आप अपनी, आपको पता नहीं वो बोलते ना मारवाड़ी का मतलब खुद के पग पे कुल्हाड़ी मार, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो नौकरी करके। नौकरी छोड़ दो ना यार, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो आप नौकरी? नौकरी छोड़ना आपके लिए फायदेमंद का सौदा है, फंसने वाला सौदा नहीं है, फायदेमंद का ही सौदा है। आप एक बार है ना, आप जितना टाइम अपनी नौकरी को दे रहे हो उतना ही टाइम अगर आपको बिजनेस को दोगे तो 2 साल बाद में आपके पास में जितना आपका बॉस के सारा स्टाफ कमाते हैं ना, उतना आप खाली 1 महीने में कमा लोगे, ठीक है। उसमें अगर वहां पे आपकी सैलरी 20,000 या 25,000 सैलरी होगी, अगर उतना ही आप जितना टाइम नौकरी में देते हो उतना ही टाइम अगर आप बिजनेस में देते होगे तो महीने के 2.5 से 3 लाख 5 लाख तक कमा सकते हो भाई। कोई फिक्स टाइम, कोई फिक्स पैसा नहीं है बिजनेस में। तो क्या है कि जितना समुंदर पड़ा है आपके पास में, पैसों का समुंदर है, जितना लूटना है लूटो यार, क्या टेंशन है। नौकरी में ऐसा नहीं है, नौकरी में भाई कुएं के मेंढक बन जाओगे आप, उस लिमिट में मिलेगी आपको सारी चीजें, ठीक है। और आप अपने खुद के सपने खराब कर दोगे, अपने माँ बाप के सपने खराब कर दोगे, अपने बीवी बच्चों के सपने पूरे नहीं कर दोगे और बाद में आप
खुद अकेले साइड में बैठ के जाके रो के, यार मैंने ये क्या कर दिया। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पहले भाई मैं खुद नौकरी करता था, कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था और मेरी सैलरी 2015 की बात करूँ, मेरी सैलरी उस टाइम 7,500 रुपये थी। एक साल में मैंने उस सेठ को एक मेरे में अकेले जॉब करता था, एक सेठ में एक साल में उस सेठ को इतना पैसा कमा कि इंडिया में उसने दूसरी दुकान कर डाली एक ही साल में। लेकिन मेरी उसने कितनी सैलरी बढ़ाई उसने भाई, मैंने इतनी मेहनत की, मेरी सैलरी उसने सिर्फ 500 रुपये बढ़ाई दिवाली के दिन, सिर्फ 8,000 किया, 7,500 था 8,000 रुपये। और उस टाइम पे अपना तो दिमाग खराब हो गया कि मैं सेठ को इतना कमा के दे रहा हूँ, मेरे को सेठ सिर्फ 500 रुपये बढ़ा के दिया। तो भाई मैंने सेठ को बोला भाई मेरे को नौकरी आपकी नहीं करनी, आपकी नौकरी आपको मुबारक, आपको 7,500 आपके पास रखो, मेरे को नहीं करनी नौकरी। तो फिर मेरे को फिर मैंने सेठ को बोला कि भाई अगर मेरे को रखना है तो मेरा सीधा ऑफर डबल हो जाएगा, 15,000 सैलरी करो तो मैं रुकता हूँ वरना नहीं रुकूंगा। उसने 15,000 सैलरी कर डाली, उसको पता है कि बंदे में टैलेंट है मेरे, उसको पता था कि ये लड़का चला गया तो मेरे आगे कोई संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा लड़का मिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने फिर उसने 15,000 फिर तीन महीने काम किया, मेरे को नौकरी छोड़नी थी तो मैंने बोल दिया भाई मेरी सैलरी 25,000 करो तो मैं रहूँगा वरना नहीं रहूँगा। तो उसने बोला कि 25,000 नहीं 20,000 कर देता हूँ। फिर मैंने 2 महीने और जॉब किया, फिर मैंने बोला मेरी 50,000 सैलरी करते हो तो मैं रहूँगा वरना मेरे को नहीं रहना। तो मैंने उस टाइम फिर नौकरी छोड़ दी, मेरे को पता चल गया कि भाई कैसा पैसा किस बिजनेस में कैसा पैसा मिल रहा है। तो मैंने 2017 में मैंने कपड़े की दुकान खोल दी भाई, उस टाइम मैं कपड़े की दुकान खोली मेरे पहले ही मैंने 60,000 रुपये कमाया, ठीक है। फिर सीजन आ गई, फिर नवरात्रि की सीजन आ गई, फिर उसमें नवरात्रि के सीजन में मैंने कमाया 1,50,000 रुपये कमाया। फिर और दिवाली की सीजन में मैंने एक ही महीने के अंदर 4.5 लाख रुपये कमाया, ठीक है। एक साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपया मैंने कमाया और वहाँ पर मैं कितना पैसा कमा रहा था, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो भाई ऐसा नहीं है, आपके अंदर आपके पास टैलेंट है तो आप बिजनेस में लगो, आप जितना टाइम नौकरी को दे रहे हो उतना ही टाइम आप बिजनेस को दो। ये हो गई आपकी पर्सनल बात। अपन अभी बात करते हैं पहले वाली बात को, ये तो पर्सनल बात कर दी और नौकरी छोड़ने के मैंने रीज़न बता दिए, बिजनेस करने का भी आपको मैंने रीज़न बता दिए। तो अभी अपन बात करते हैं भाई बिजनेस की वापस। तो भाई है ना मोबाइल है ना अपने एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, ठीक है। चार चीज़ें लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो एक तो भाई फैमिली, दूसरा पैसा, तीसरा मोबाइल और चौथा मोहब्बत। तो ये चार चीज़ें भाई जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, ठीक है। तो अपन ये तीन चीज़ें आपके पास कहीं पे भी मिल जाएगी लेकिन बिजनेस आपको खुद का करना पड़ेगा। और भाई सबसे बेस्ट मोबाइल का बिजनेस सबसे टॉप लेवल का बिजनेस है, इसमें खाली बार एक बार आप पैसा लगा दो फिर पैसा ही पैसा है आपके पास, ठीक है। अगर मोबाइल की आपको शॉप करनी है, मोबाइल का शोरूम करना है, तो मैं 10 से 15 टिप्स आपको मैं ऐसी दूंगा, अगर वो अपनी नई न्यू शॉप करने वाले हो या कर चुके हो या शॉप करने वाले हो या कर चुके हो या है आपके शॉप भी आपके पास चल रही है, तो ये 10 से 15 टिप्स अपनी शॉप में आजमा लो, आपकी शॉप अंधाधुन चलने लगी, आपकी दुकान में भीड़ पड़ने लग जाएगी, ठीक है। आपकी दुकान पर भीड़ पड़ने लग जाएगी, क्या करना है पता है आपको, सबसे पहले आपको भाई 15 टिप्स आपको आजमानी है, ठीक है। अगर आपको मोबाइल की दुकान आप कर रहे हो तो भी ये वीडियो एंड तक बने रहे, ठीक है। आपको मैं मोबाइल के न्यू जो मोबाइल जिनके पास मोबाइल की दुकान है वो भी वीडियो पूरा देखे, जो मोबाइल की दुकान करना चाहते हैं वो भी पूरी वीडियो देखे, बिल्कुल स्टेप नहीं करे, बिल्कुल आप उसको स्काइप नहीं करे, वरना स्काइप करोगे तो अंदर से कोई चीज़ें आपको याद नहीं रहे, फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो पहले भैया फिर पहली स्टेप है, पहला टिप है कि भाई मोबाइल की दुकान का बिजनेस की संभावना, तो भाई मोबाइल की दुकान का बिजनेस का संभावना भाई बहुत बड़ा है। मोबाइल की दुकान के आगे भीड़ लगने के चांसेस मैं देता हूं आपको, ठीक है। मोबाइल लॉन्च होता है और आप अपने मोबाइल कोई भी न्यू मोबाइल लॉन्च होता है तो आप अपनी दुकान के बारे में उसका बोर्ड मार दीजिए, भाई ये मोबाइल मार्केट में आने वाला है और सबसे पहले अपनी दुकान पर आएगा। उससे आपके जिसको उसको उससे क्या होगा कि जो इसको भी इस टाइप का मोबाइल लाना पड़ेगा वो आपकी दुकान पर आ जाएगा अपने आप, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप मोबाइल की दुकान की संभावना बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है मोबाइल की दुकान। भाई मोबाइल की दुकान करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, एक बड़ी दुकान करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, छोटी दुकान की बात नहीं करूँ, बड़ी दुकान के लिए आपको सबसे पहले आपको दुकान देखनी पड़ेगी जिसके वो होगी जो कम से कम 15x40 की दुकान आपको देखनी है, ठीक है। फिर उसमें फर्नीचर करवाना है,
और फिर इसमें आपको मोबाइल रखने हैं, ठीक है। फिर मोबाइल की दुकान कैसे खोलें, तो भाई मोबाइल की दुकान कैसे खोलने के लिए पहले मैंने ये तो मैंने बता दिया भाई आपको मोबाइल की दुकान किस टाइप की होनी चाहिए। भाई मोबाइल की दुकान कैसे खोले, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी मोबाइल की दुकान पर आपको सही ब्रांड चेंज करना है भाई, कि कौन से ब्रांड के मोबाइल रखना है, कौन से मोबाइल किस किस टाइप के आपको एयरफोन रखना है, एसेसरी रखनी है, किस साइज़ की किस टाइप की आपको एसेसरी रखनी है, वो सारे आप पहले सोच लें। फिर एक पूरी आप लिस्ट बना लें, फिर आप ये सब चीज़ें सब याद रखकर आप मोबाइल की दुकान खोल सकते हो। फिर मोबाइल की दुकान किस प्रकार करें, तो भाई मोबाइल की दुकान करने के लिए आपको है ना भाई एक अच्छा लोकेशन देखना है, ठीक है। अपन जैसे चार रास्ते लगते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती रहती, भीड़ पड़ती हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आती जाती रहती हो, वहाँ पे आपको मोबाइल की दुकान करनी है। और मोबाइल की दुकान करने के लिए आप है ना अंदर सब ओनली मोबाइल की चीज़ें ही रहो, जैसे भाई ब्लूटूथ हो गया, एयरफोन हो गया, चार्जिंग हो गया, मोबाइल की जितनी भी सारी एसेसरी होती है वो आप सारी मोबाइल की दुकान पर रख सकती हो। इस प्रकार की आपको मोबाइल की दुकान करनी है। फिर मोबाइल की दुकान की लागत, तो अपन सबसे पहला भाई पैसा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो भाई इसकी दुकान की अपन बात करें तो इसका मोबाइल की दुकान का बजट रहेगा कम से कम 8 से 10 लाख रुपया। कितना बजट रहेगा? 8 से 10 लाख रुपये। भाई 2-3 लाख रुपये का जमाना पहले होती थी, 2-4 लाख रुपये में दुकान, अभी आजकल नहीं होती, बहुत महंगाई हो गई है, तो 8 से 10 लाख रुपये का इसमें अपना बजट रहेगा, ठीक है। फिर मोबाइल की दुकान के लिए बिजनेस लोन, तो भाई इसमें क्या करें, मोबाइल की दुकान के लिए आपके अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर आप लोन करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप दुकान को आपको रेंट पे ले लेने का है, ठीक है। और रेंट पे लेके फिर आपको बनाना है भाड़ा करार, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, भाड़ा करार बोलते हैं। तो भाड़ा करार के थ्रू आप मॉर्गेज लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज लोन या बिजनेस लोन, कोई भी बैंक में जाइए जहाँ पे बिजनेस लोन या मॉर्गेज लोन मिलती है, उससे आप मॉर्गेज लोन या बिजनेस लोन कोई भी आप लोन कह सकते हो, जो कि 7 दिन के अंदर आपको लोन आराम से मिल जाएगी, ठीक है। फिर मोबाइल की मार्केट रिसर्च, आप जहाँ पे भी मोबाइल की दुकान कर रहे हो तो आजू बाजू में देखो कि कोई बड़ा मॉल नहीं हो, ठीक है, या आप जिस प्रकार की आप दुकान कर रहे हो, जिस टाइप की आप शोरूम कर रहे हो, आस पास के 2-4-5 किलोमीटर सिटी के अंदर कहीं पे भी ऐसी मोबाइल की शोरूम नहीं हो, क्योंकि कि अगर होगा तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के धंधे में हमेशा दोनों को नुकसान होता है, जिसकी आपकी जैसी दुकान है उनको भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान ही होगा, तो कंपटीशन का धंधा बहुत बेकार धंधा है। तो ऐसे आप रिसर्च करके जरूर रखें कि मोबाइल की दुकान ना हो, ठीक है। फिर आप रिसर्च की और बात करें तो आप अगर मोबाइल की दुकान आप करना चाहते हो तो मोबाइल की दुकान के लिए सबसे पहले कि आप एक्सपीरियंस, आप कहीं पर भी 5 या 6 महीने कोई भी शोरूम में आप जॉब करके पूरा एक्सपीरियंस ले लें, ठीक है। आप उन भाई को बोल दे भाई मेरे को यहाँ पे मैं सीखने आया हूँ, तो मेरे को कहाँ से कैसे कैसे डील करनी है, कैसे मोबाइल बेचना है, क्या प्रॉफिट रहता है, वो सारा आप सीख ले, ठीक है। फिर है सही ब्रांड का प्रोडक्ट का चयन, आपको कौन सा ब्रांड के मोबाइल की रखना है, जैसे भाई सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, आईफोन हो गया और रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो, तो आपको बहुत ज़्यादा सब ब्रांड के मोबाइल नहीं रखने, कौन से जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है वही आपको रखना, जैसे सैमसंग, एप्पल, रेडमी, आईफोन और लेनोवा, ये 8 से 10 ब्रांड आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ब्रांड के आप मोबाइल दुकान पर आप रख सकते हो शॉप पर, ठीक है। फिर मोबाइल की दुकान के लिए आवश्यकता, तो भाई मोबाइल की दुकान के लिए आवश्यकता की अपन बात करें तो जो भी एसेसरी होती है वो एसेसरी आपको सारी रखनी है, जैसे कि भाई चार्जिंग हो गया, ब्लूटूथ हो गया, स्पीकर हो गया, इस टाइप की सारी चीज़ें आपको दुकान पर या इस टाइप की आपको सब सारी चीज़ें आपको शोरूम पर सब रखनी है, ठीक है। फिर मोबाइल की दुकान के लिए सभी चीज़ें खरीदने की जगह, तो भाई मोबाइल की दुकान के लिए सभी खरीदने की जगह की अगर बात करें तो होलसेलर, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, एक तो होलसेलर पकड़ना, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो आपको कोई भी मार्केट में कोई भी नया मोबाइल आएगा सीधी आपकी दुकान पर भेज देगा, ठीक है, जो कि क्रेडिट पे आता है, मान लो कि 3 महीने क्रेडिट, 2 महीने की क्रेडिट, ऐसे कुछ क्रेडिट पर आता है, ठीक है। और फिर आपको होलसेलर को पकड़ना जो कि आपको जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी में आपको मोबाइल दे सके, ठीक है, उससे आपके क्या कस्टमर खराब नहीं होंगे, कस्टमर से आपका विश्वास बना रहेगा और व्यवहार बना रहेगा। फिर अपन बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन को मैंने पहले भी आपको बताया कि लोकेशन में हमेशा मोबाइल की दुकान कर रहे हो या शोरूम कर रहे हो तो आप अच्छे एरिया में करें, मिडिल एरिया में नहीं करें, लोकल एरिया में नहीं करें, बहुत ज़्यादा जो फेमस एरिया हो वहाँ पे आप
आपका चाहे रेंट उसका थोड़ा ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन इस टाइप के एरिया में आपको करनी है जहाँ पे पब्लिक का रश हो, जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा आती जाती रहती है, उस टाइप उस जगह में आपको मोबाइल की शोरूम आपको करना है। वहां से आपका क्या शोरूम, अगर शोरूम होगी लोगों के नजरों में आएगा तो आपकी ग्राहकी खुद ब खुद आने लग जाएगी, ठीक है। फिर इंटीरियर डिजाइन, तो आपको मोबाइल की शॉप करने तो एकदम फैंसी लुक में बनाना है, एकदम लुक वाइज बनाना है, बहुत सारी लाइटें लगवानी है मोबाइल के शोरूम में, और डिजाइन वाइज तो थोड़ी बहुत डिजाइन बनवानी है, और फर्नीचर बहुत अच्छा बनाने का, ठीक है, इस टाइप की आपको। फिर अपन प्रॉफिट की बात करें तो भाई एसेसरीज में सब में अलग अलग प्रॉफिट है, और हर कंपनी अलग प्रॉफिट में आपको बिजनेस करने का कहती है, ठीक है। ऐसा नहीं भाई सबका सेम प्रॉफिट है, जितना सब मोबाइलों का जितना, जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रेडमी हो गया, तो सब में प्रॉफिट अलग अलग है, किसमें प्रॉफिट ज़्यादा तो किसमें बहुत कम है, किसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा है तो किसमें बहुत कम है, तो इस टाइप के जिनमें तो सब में अलग अलग प्रॉफिट है। तो अपन बात कर रहे हैं आईफोन, तो आईफोन प्रॉफिट देते हैं 2 से 3%, मतलब अगर 2 लाख का मोबाइल हो, मतलब मान लो 1 लाख का मोबाइल हो तो वो आपको 2500 रुपये से लगाकर 3500 रुपये का प्रॉफिट देता है एक मोबाइल पे। अगर वही मोबाइल अगर 2 लाख का है तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट मिलता है पर मोबाइल पर, ठीक है। ऐसे अगर मान लो अपन लोकल कंपनी की बात करें, अगर रियलमी या रेडमी पर बात करें तो वो 5 से 7% तक आपको प्रॉफिट देते हैं। मान लो कि अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल रेडमी का या रियलमी का बिकता है तो आपको 8 से 9 हज़ार रुपये पर मोबाइल पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कंपनियों पे डिफरेंट कहता है, अलग अलग कंपनी रहती है, अलग अलग आपको प्रॉफिट के साथ में बताती है, ठीक है। सब मोबाइल पे अलग अलग प्रॉफिट रहता है, किसी में भी सेम प्रॉफिट नहीं रहेगा, अलग अलग, किसी में 5%, किसी में 7%, किसी में 3%, किसी में 2% भी प्रॉफिट रहता है। अगर मोबाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं सोचना भाई प्रॉफिट ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मोबाइल की डिमांड होगी उतना प्रॉफिट आपका खुद का गिरेगा, उसमें कमाएंगे कौन, डिस्ट्रीब्यूटर कमाएंगे, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितनी कम डिमांड होगी उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। मान लो कि अभी आईफोन 15 अगर लॉन्च हुआ है तो उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, उतना आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपका प्रॉफिट तोड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा रहता है, ठीक है। और अपन बात करें एसेसरीज में 30% का प्रॉफिट रहता है, ठीक है। लोकल कोई भी आप एसेसरी लेते हो उसमें 50%, अगर कंपनी ब्रांड के लेते हो तो 25 से 30%, अगर आईफोन जैसी बहुत बड़ी ब्रांडों के लेते हैं तो उसमें 10% आपको प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। फिर स्टाफ, अगर आप इतनी बड़ी दुकान कर रहे हो, इतना बड़ा सब कुछ देख रहे हो, तो कम से कम आप स्टाफ रखना पड़ेगा, जिसमें जेंट्स और लेडीज आपको रखनी पड़ेगी। जैसा आप 10-15x40 की शॉप करो और सारी ब्रांड के आप मोबाइल रखने वाले हो तो बहुत बड़ी आपकी दुकान हो जाएगी, बहुत बड़ा शोरूम हो जाएगा। तो इसमें आपको 3 से 4 आपको लेडीज आपको स्टाफ लेडीज स्टाफ रखना है, और 3 से 4 आपको जेंट्स स्टाफ रखना है, क्योंकि भाई सारे जेंट्स स्टाफ से नहीं चलता, क्योंकि कोई बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बहुत सारी लेडीज कस्टमर आते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए लेडीज लड़की से लड़की जिंदगी समझा पाती है, अपन नहीं समझा पाएंगे, लड़के नहीं समझा पाएंगे, तो ऐसे के लिए लड़कियों को रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपन लाइसेंस की बात करें तो आपको GST नंबर जरूर लेना, GST SST तो अभी लगने लग गया है, तो GST नंबर जरूर लेना। फिर अपन बात करें तो मोबाइल आप जहाँ पे शोरूम करो इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना है, ठीक है। फिर है मोबाइल की दुकान के नियम, तो आप है ना आप मोबाइल का शोरूम कर रहे हो, मोबाइल की दुकान कर रहे हो, तो उसके नियम जरूर रखें, ऐसा नहीं है बिना नाम के आप ऐसे घसीटे जा रहे हो। तो मोबाइल के नियम रखें, स्टाफ के लिए भी आप नियम रखें, ग्राहकों के लिए भी नियम रखें, जैसे भाई कि लिया हुआ माल वापस नहीं होगा, ठीक है, उधारी नहीं मिलेगी, या फिर आप ऐसे जो भी आपके लिए नियम होंगे वो आप नियम अपनी दुकान के लिए नियम बिगर कोई भी है ना अनुशासन बिगर कोई भी धंधा बहुत ज़्यादा तक नहीं चल सकता। अगर अनुशासन आपके बिजनेस में रहेगा तो आपका धंधा बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। फिर दुकान की सेल कैसे बढ़ाए, तो भाई दुकान के सेल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ। अगर आपके पास दुकान है तो भी आप ये ध्यान से सुने, और नहीं है तो भी आप ध्यान से सुने, करने वाले तो भी ध्यान से सुने। तो भाई सेल बढ़ाने के लिए सबसे बेटर पहले चीज़ आपको मार्केटिंग करनी है, जैसे भाई अखबारों में इश्तिहार देने हैं कि जैसे भाई सबसे नया मोबाइल हमारी दुकान पर लॉन्च हो गया, हमारी दुकान पर आगे विजिट कीजिए और जितना चाहिए क्वान्टिटी में मोबाइल मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है, आपको टेम्पलेट्स बांट दीजिए, ठीक है, टेम्पलेट्स बांट दीजिए। दूसरा आप इंस्टाग्राम पर, मान लो कि किसी इंस्टाग्राम यूट्यूबर हो या कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी, तो
उससे जब भी आप दुकान की ओपनिंग करो तो उससे करो, तब से आपके पब्लिक की उस पर क्या रश पड़ेगा और पब्लिक आएगी और आपकी दुकान की खुद ब खुद ही मार्केटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप जब भी आप दुकान की ओपनिंग कराए, जब भी आप शोरूम की ओपनिंग कराए, तो किसी सेलिब्रिटी को बढ़ाए बुलाए, उससे आपके छोटे बड़े बहुत बड़े सेलिब्रिटी को नहीं, उतना तो आपका बजट नहीं बन पाएगा। मान लो किसी इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर, उनको आप फॉलोवर उनको बुला लीजिए, या फिर किसी को जिनके यूट्यूबर है उनको बुला लीजिए, उससे आप ओपनिंग पे उनको बुलाइए, तब तक फिर बुला लीजिए, उससे आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी खासी शॉप कर शॉप की हो जाएगी। फिर है उससे आपकी फिर सेल भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसे जैसे डिमांड हो गया, जैसे जैसे आपकी मार्केटिंग हो उससे आपकी वैसे वैसे आपकी सेल बढ़ने लग जाएगी, और सेल बढ़ने सेल आपको सेल ही तो बढ़ानी और क्या चाहिए जिंदगी में भाई। और आप बाहर बहुत अच्छा बोर्ड बनवा ले, बहुत अच्छा बोर्ड बन, ये भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राहकों से हमेशा परिवार जैसा संबंध रखें, ऐसा नहीं बहुत आप बहुत ग्राहकों से रूडली बात नहीं करें, बहुत प्यार से बात पेश आइए और इज्जत से पेश आना, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में ग्राहक भगवान के जैसा होता है, तो बहुत ही थोड़ा प्यार से पेश आइए उनके साथ में। तो अगर आपके पास कस्टमर कोई भी आता है तो सबसे पहले उससे कोई चीज़ ले नहीं ले वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको पानी ऑफर जरूर करना। कोई भी कस्टमर आपकी शोरूम में आता है तो आपको पानी ऑफर करने का, ठीक है, या फिर आप अगर आपके शॉप पर कोई भी आपके आज मोबाइल खरीदता है या कुछ भी चीज़ खरीदता है, वही बड़ी चीज़ लेता है, तो आप उसके लिए चाय नाश्ता भी ज़रूर ऑफर कीजिए, उससे आपकी दुकान की इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी। और इमेज बनी अच्छी बनेगी अगर वो कस्टमर लेके गया, उसकी माइंड में अगर इमेज आपकी अच्छी बन गई, वो दो कस्टमर को और आपको लेके आएगा, ठीक है, ऐसे उस वजह से आपकी सेल बहुत अच्छी बढ़ने लग जाएगी। फिर है मोबाइल की दुकान के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मोबाइल की दुकान के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो भाई आप जैसे कि भाई अपन आईफोन वालों की डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लें, 3 से 4 ब्रांड वालों के जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लें, जिससे सारे मोबाइल आपकी दुकान पर अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे भाई आप आईफोन वालों के अपने इंडिया में आईफोन की, सैमसंग की, रेडमी की, रियलमी की और ओप्पो वीवो की, ये 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर आप पकड़ ले, जहाँ जिससे आपकी दुकान पर सारे मोबाइल सब कुछ हर टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। इंडिया में कहीं पर भी कोई भी शोरूम में मोबाइल आएगा, उससे पहले आप इतने सेलिंग बढ़ाइए अपनी दुकान का या अपने शोरूम का कि इंडिया में सबसे पहले मोबाइल आपकी दुकान पर ही मिले, आपके शॉप पर ही मिले, आपके शोरूम पर ही मिले, ठीक है। फिर ईएमआई की फिर है ना, आप क्या करें, वो ईएमआई की सुविधा जरूर रखें, क्योंकि भाई आजकल क्या लोग क्रेडिट कार्ड भी बहुत यूज़ करते हैं, ईएमआई भी बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं रहता। तो आप मान लो कि कोई लाख रुपये का मोबाइल ले रहा है या लाख रुपये का मोबाइल ले रहा है या 10,000 रुपये का मोबाइल ले रहा है, तो उससे आप 10 से 15% या 20% मोबाइल पैसा पेश भरवा के फिर आप ईएमआई की सुविधा उनके लिए जरूर कर दीजिए, तब तक वो कस्टमर खुश हो जाएगा। क्यों, जिनको ईएमआई में मोबाइल के बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हो गए जो सारा पैसा एक साथ में नहीं दे सकते, उनको ईएमआई की सुविधा आप करवा दीजिए, ठीक है, उससे आपकी कस्टमर की सेलिंग और बच्ची बढ़नी लग जाएगी। फिर अपन मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप मार्केटिंग की अपन बात करें तो आप अखबार में इश्तिहार दे दीजिए, टैबलेट्स बांट दीजिए, इंस्टाग्राम पर किसी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम के अच्छे खासा ब्लॉगर उसको बुलाकर आप मार्केटिंग करवा सकते हो। फिर इसके बाद में आप टेम्पलेट्स बनवा, और सबसे बेस्ट है आप अखबार में आप इश्तिहार दे दीजिए, जिसके अखबार से लोग पढ़कर आपकी दुकान पर आराम से आ जाएंगे। फिर अगर आपके यार दोस्त हैं या ग्रुप है कोई अच्छा, तो कोई व्हाट्सअप ग्रुप है या इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा किसी के दोस्त के फॉलोवर, तो उस फॉलोवर तो उनको कीजिए भाई हमारा स्टोरी रखिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्यों आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, ठीक है। फिर मोबाइल दुकान की रिस्क, भाई मोबाइल की दुकान में रिस्क क्या रहता है पता आपको, कि क्वांटिटी नहीं मंगाना कोई भी मोबाइल की। आप मान लो कि कोई भी नया मोबाइल निकला, आप उसके सीधा 500 पीस मंगा दो, 1000 पीस मंगा दो, ऐसे कोई भी चीज़ में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं मंगानी है, जैसे बिकता है वैसा वैसा मंगाते रहिए, कि क्वांटिटी का काम ही सबसे बेकार काम रहता है, कि क्वांटिटी में क्योंकि लिया हुआ माल कहीं पर भी वापस नहीं होता है। यानी कुछ कुछ ब्रांड को आप छोड़ लीजिए, बाकी बहुत सारी ऐसी ब्रांडें हैं लोकल ब्रांड जैसे आईफोन वीवो ये सब, इन सब का नियम होता है कि लिया हुआ माल वापस नहीं होगा, अब आपको बेचना ही है कैसे भी करके, तो भाई बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में माल नहीं लें, ठीक है, इतना खाली इतना रिस्क रहता है, बाकी कोई
रिस्क नहीं लेता। फिर ऑनलाइन पेमेंट, तो भाई ऑनलाइन पेमेंट हमेशा जरूर ले, क्योंकि आजकल लोग कैश लेकर नहीं निकलते, खाली एक मोबाइल लेके निकल जाते हैं। आपकी दुकान पर आएंगे मोबाइल लेके ही आएंगे। बहुत सारा ऐसा नहीं है 50,000, 60,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए साथ में बंडल लेके आए आपके मोबाइल पर खरीदी करने के लिए, ऐसा नहीं है। आज का जमाना चेंज है अभी, तो आपको आपकी दुकान पर ऑनलाइन की सुविधा जरूर रखनी है। जैसे कि आप मान लो कि क्रेडिट कार्ड की स्कैप करने की मशीन रखनी है, और फोन पे रखना है, गूगल पे, ये सारे भी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको सारे ऐप्स है वो सारे आपको दुकान पर अपने अवेलेबल रखना है। फिर क्रेडिट कार्ड की सुविधा रखनी है, फिर आपको UPI की सुविधा रखनी है, जारी भी जितनी भी सुविधा वो सारी आपको दुकान पर रखनी है, ठीक है। फिर अपन बात करें स्टाफ के साथ के व्यवहार, तो भाई आपके जितने भी आपके शॉप में या शोरूम में स्टाफ है उनको हमेशा ही फैमिली जैसा व्यवहार रखें, क्योंकि भाई आप वहाँ पे 24 घंटे नहीं रुक सकते या 12 घंटा नहीं रुक सकते। जितने भी कस्टमर आपको पैसा, जितने भी पैसा कमा के देंगे वो आपका सारा स्टाफ ही देंगे, तो उनके साथ में फैमिली जैसा संबंध रखें, ठीक है। आपने तारक मेहता देखा तो जेठालाल कैसा वो अपने नट्टू काका और बागा को रखता है फैमिली जैसे व्यवहार, तो ऐसा आपको व्यवहार रखना पड़ेगा। उससे क्या आपकी वो आपसे खुश रहेंगे, आपको अच्छा आदमी मानेंगे और अच्छा जैसा भगवान जैसा समझेंगे, और आपकी सेलिंग अच्छी खासी बढ़ाएंगे, क्योंकि आप उनके हाथ में ही है सेलिंग बढ़ाना, ठीक है। वो जैसा कस्टमर को जैसे जैसे हैंडल करेगा वैसे वैसे आपकी सेलिंग अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। फिर अपन ग्राहक के साथ में व्यवहार, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सेलिंग बढ़ाने के लिए, व्यवहार बढ़ाने के लिए। कभी भी कोई भी ग्राहक को नाराज नहीं करें, ठीक है। मान लो कि कोई भी ग्राहक आपसे, उसको कुछ लेना नहीं आपकी दुकान पर आ गया खाली रेट जानने के लिए, तो आप रेट उनमें बता दीजिए। बहुत सारे दुकान वाले ऐसे करते हैं कि आपको जब लेना है तब आ जाना, तब हम रेट बताते हैं। ऐसे जवाब कभी नहीं देने का, रूडली जवाब नहीं देने का, प्यार से हमेशा जवाब देने का। जैसे भाई आप उनको रेट बता दे देना, कस्टमर है रेट पूछने आएगा, आपने शोरूम किया है दुकान की है, तो वो रेट पूछने आएगा आपके पास, उनका हक है वो, ठीक है। तो आप उनको रेट बता दीजिए, अगर बोलता है कि मेरे को डेमो दिखाओ तो मोबाइल का, आप डेमो भी उनको दिखा दीजिए, क्योंकि आदमी देखेगा यार 50,000, 30,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का मोबाइल खरीदने लोग, तो वो देखना तो हक तो उनका है ना देखने का, तो मोबाइल उनको आप दिखा दीजिए। अगर कुछ नहीं भी लेना है तो भी उनको बहुत प्यार से पेश उनके साथ में आइए। व्यवहार हमेशा ग्राहकों के साथ में बहुत अच्छा रखें। पहले आप इंडिया में तो ग्राहकों को भगवान तक कहा गया है कि भाई ग्राहक भगवान के समान होते हैं, क्योंकि ग्राहक आएंगे तब आपका दुकान चलेगी, ग्राहक आएंगे तो आपकी स्टाफ की सैलरी निकलेगी, ग्राहक आएगा तो आपके पास पैसा आएंगे, तो ग्राहक हमेशा ही भगवान जैसे होते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी शॉप में या शोरूम में अपना लेते हो तो आपका धंधा किसी के बाप में दम नहीं है जो रोक सके। आप ये सब मैंने जितनी भी चीज़ें की है वो सारी आप अपना लेते हो तो किसी के बाप में दम नहीं जो आपका धंधा रोक सके, धंधा आग की तरह चलेगा आपका बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने न्यू शॉप कर चुके हो तो इसमें ज़रूर अपना लीजिए, या करने वाले तो ये सारी सोच के रखें, ठीक है। और ग्राहकों के साथ में व्यवहार बना के रखे, स्टाफ के साथ में व्यवहार बना के रखे। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो जिनके भी मोबाइल की दुकानें हैं उनको ज़रूर शेयर करें, या जो मोबाइल की दुकान करने वाले उनको ज़रूर आप भेजें, क्योंकि आपके एक वीडियो भेजने से या आपके एक वीडियो देखने से या आपके वीडियो एक शेयर करने से उनकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो तो लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वीडियो का एंड करते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया बन गया। ये मेरा यूट्यूब का सबसे बड़ा वीडियो है जो कि 33 से 34 मिनट के आसपास बना, बाकी मैं 10 से 15 मिनट के मेरे वीडियो होते हैं, लेकिन कि अभी सारी चीज़ें समझानी थी आपको, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें समझानी थी, तो मेरे को यहाँ तक मेरे को बनाना पड़ा। मेरा खुद का मुँह दुखने लग गया है, क्या करें यार, आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो यार, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम जरूर लिखें। अगर वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को थोड़ा भी प्यार दीजिए, इस वीडियो को मेरे को इस वीडियो पे कम से कम 50,000 व्यूज चाहिए। कितने चाहिए? 50,000 व्यूज और 2,000 लाइक चाहिए। कितने? 2,000 लाइक और 200 कमेंट। क्या चाहिए? 200 लाइक चाहिए, 200 कमेंट चाहिए, 2,000 लाइक चाहिए और 50,000 व्यूज चाहिए। इतना आप कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, जितना ताकत लगा के शेयर करना है कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को मेरे को मजा आ जाना चाहिए, आपकी प्यार की कसम इस वीडियो पे मजा ना दो यार, ठीक है। दबा के शेयर कर दो यार, पहली बार रिक्वेस्ट किया, इतनी रिक्वेस्ट कभी किसी को नहीं करता हूँ कि इसमें इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी है। ये देखो, ये इतना लिखना पड़ता है, ये देखो ऐसा बनाना पड़ता है, ये देखो इतना कुछ लिखता हूँ उसके बाद में वीडियो बनता है, वीडियो कभी भी ऐसा ही नहीं बनता। तो आप दबा के शेयर कर दो इस वीडियो को यार, हाथ जोड़ कर,
कभी तो अपने छोटे भाई की हेल्प कर दो यार, इतनी मेहनत लगी है वीडियो बना के हमें बनाने में। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, कर दीजिए यार, कर दो शेयर यार, आज तो यार कर दो यार, प्लीज़ यार, आज जोड़ता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, भगवान आपको खुश रखे और भगवान आपको जिंदा दे।